मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई एटीएस ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने मुंबई एटीएस कंट्रोल रूम पर कॉल करके सन 1993 के मुंबई विस्फोट जैसे धमाके शहर में करने और अगले 2 महीने में यहाँ दंगे कराने की धमकी दी थी। शख्स की पहचान 55 वर्षीय नबी यहिया खान उर्फ केजीएन लाला के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कई मामले भी हैं और एटीएस ने उसे आज़ाद मैदान पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि मुंबई को दहलाने की कॉल कर धमकी देने वाले शख्स को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है।